1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, spit. Good morning, Kabir. Where are you going? Are you excited in the morning to go there? Or you're like, Didi has come. Lilo bhai back, Lilo. Thank you, Didi. Back ke liye. But brother, can I ask you a question? Yes, you can always ask me questions. Can I tell you something? Can you do something? Hmm? When you always talk to his mom in the football chairs, right? Yes. So can you please tell her, let me play in the playground. Perfect. तो कबीर की ट्रेनिंग खत्म हो गई. कबीर, यू हैड फन इन ट्रेनिंग? यस. यू स्कोर्ड हाउ मेनी? 3. 3 गोल स्कोर किए कबीर ने. उसने बहुत एंजॉय किया. और संडे का दिन अगर स्पोर्ट्स के साथ स्टार्ट हो जाए तो मतलब मजे ही कुछ और आते हैं. आज मैं कबीर को एक क्रिकेट एकेडमी में भी लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ. मैंने कोच सर से बात करी थी. उन्होंने बोला है कि भाई आप ले आओ और हम देख लेते हैं कि कबीर कोचिंग के लिए रेडी है कि नहीं है क्रिकेट के. तो उसके लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. कबीर, आप एक्साइटेड हो क्या क्रिकेट में जाने के लिए कि नहीं हो? कि सिर्फ आपके पापा एक्साइटेड हैं? पापा. सिर्फ पापा एक्साइटेड हैं. मुझे भी ऐसा लगता है. कबीर को इस टाइम पे ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन देखते हैं जब वहां पे जाएंगे तो एक्साइटेड होता ही नहीं होता. अभी घर चले नूर के पास. तो कबीर आज से गुड बॉय बन रहा है. वो सारी एक्टिविटीज जो खुद कर सकता है वो खुद से करेगा, जैसे सॉक्स पहनना. तो आज खुद से सॉक्स पहन रहे. वेरी गुड बॉय कबीर, यू वेयरिंग इट रियली रियली वेल. जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे पहनो, बट इसको इस तरफ लाने की कोशिश करो और इसको सिर्फ आपको टर्न करना है एंड दिस विल कम ओवर हियर. नाउ पुल इट. तो अब कबीर अपना जूस बना रहा है. ये हर रोज पीता है कबीर. इस आवर बोल दो. हाँ हाँ, एक ही बात है बाबा. कबीर अपना जूस बना रहा है, मतलब हम बना रहे हैं एक साथ. और इसके अंदर गाजर है, बीटरूट है, आंवला है, अनार है, और क्या है, जिंजर है, पुदीना है. तो काफी हेल्दी जूस है. कैरेट है, बिल्कुल. ओके, सो कबीर, दिस इज वेज जूस. इट हैज कैरेट, बीटरूट, ऑरेंज, पोमोग्रेनेट एंड आमला, पुदीना, जिंजर एंड लॉट ऑफ अदर गुडीज. सो डू यू थिंक यू विल बी एबल टू हैव इट? यस. ओके, आई ड्रिंक दिस मच. लेट्स सी, इट्स योर फर्स्ट टाइम, राइट? सो ये हमने नया रूटीन स्टार्ट किया है कबीर का. स्कूल से आने के बाद इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली हैविंग लंच, कबीर के लिए मैं ये जूस बनाता हूँ. तो कबीर को तो बहुत अच्छा लगा. एक्चुअली अच्छा है भी. इसके अंदर हल्का सा नमक, हल्का सा नींबू डाल के भी बहुत टेस्टी कर दिया है. नमक वी शुड नॉट ऐड. व्हाई? You are having it for the first time, na? That's why you're finding it weird. Khatam to karo. You are also having it for the first time. No, I've had it like all throughout my life. I used to have it every day, Kabir. Almost done. And there you go. What a champion both of us are, Kabir. You are a rock star, man. Kabir अपना जूस पी रहा है, लेकिन जूस पीते पीते वो हर जगह गिरा भी रहा है, जैसे अपने टी शर्ट में, अपने मुंह में मुच्छी बना ली. एक्चुअली बहुत बिजी दिन जा रहा था और कबीर के लिए भी चिकन वगैरह बनाना था, तो बिल्कुल फटाफट सारा निकल गया. नूर भी सो गई है और 2 बज चुके हैं. और जैसे हमारा प्लान था कि कबीर को 2 बजे क्रिकेट में लेके जाना है, 2:10 हो गए हैं, थोड़ा सा हम लोग लेट हैं. ओके, तो हम लोग गाड़ी में ही बैठे बैठे गए आपके लिए और गाड़ी में बैठे बैठे वापस जा रहे हैं. बट एक्चुअली हुआ क्या कि आज कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं था. आज सर ने अपने स्टूडेंट्स को बुला रखा था पीटी के लिए, तो वो ले रहे थे और उन्होंने कबीर से बात करनी थी. तो उन्होंने बात करी और कबीर को बोला कि भाई एक बार राउंड वगैरह लेके दिखाओ ताकि पता चल जाए कि भाई लेग में स्ट्रेंथ है कि नहीं है, भाग सकता है बंदा, नहीं भाग सकता. तो कबीर ऑब्वियसली क्योंकि इतनी ट्रेनिंग वगैरह ऑलरेडी करता है,
तो उसने बहुत अच्छा रन किया और जिस रन को देख के सर कन्विंस हो गए कि हाँ ये बंदा रेडी है बिल्कुल खेलने के लिए। तो आज कबीर का पहला क्रिकेट सेशन है, होपफुली क्रिकेट सेशन हो जाए और कबीर अपनी, हाँ फुटबॉल में तो कोई नहीं है, हो सकता है कि आज ना हो या हो सकता है हो, हम पहली बार जा रहे हैं। तो कबीर अपना पूरा किट बैग लेके खुद ही चल रहा है, इतना बड़ा और इतना भारी बैग लेके। कबीर कैसा फील हो रहा है आपको? हाँ वेरी नाइस, आर यू एक्साइटेड एंड आर यू नर्वस ऑल्सो? तो कबीर का पहले दिन का ट्रेनिंग सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। कबीर के साथ एक और न्यू जॉइनी था जो कबीर से थोड़ा बड़ा था और सबसे पहले दोनों को सिखाया गया द वेरी वेरी बेसिक विच इज़ स्टांस लेना, मतलब किस तरीके से खड़ा होना है पिच के ऊपर। तो वो काफ़ी देर तक प्रैक्टिस कराया। कबीर थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़ था क्योंकि नॉर्मली क्या होता है बाकी एक्टिविटीज़ में खेलना होता है, मस्ती होती है, बट यहाँ पे खड़े खड़े सिर्फ एक ही चीज़ प्रैक्टिस कराया जा रहा था, तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो काफ़ी देर स्टांस प्रैक्टिस करने के बाद उनको स्ट्रेचिंग वगैरह कराई गई, कबीर ने बड़े बच्चों के साथ स्ट्रेचिंग किया। जिस क्रिकेट अकेडमी में हम कबीर को लेके गए थे वहाँ पे दो क्रिकेट पिचेस हैं, तो कबीर छोटे पिच में प्रैक्टिस कर रहा था। उसके बाद सर ने बोला कि भाई गियर अप करो, मतलब पैड ग्लव सब कुछ पहन के अब दोबारा स्टांस प्रैक्टिस करो और उसके बाद आपकी बारी आएगी नेट में थोड़े बॉल्स को नॉक करने का। तो कबीर नेट में बहुत ज़बरदस्त खेल रहा था, उसको सर बॉल दे रहे थे और वो जो स्टांस उसने प्रैक्टिस किया उस स्टांस से वो बॉल को हिट करने की कोशिश कर रहा था। मुझे देख के ये इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था मैं बता नहीं सकता, बट फर्स्ट डे में इतना ही कराया। तो हम लोग फिर से आ गए हैं क्रिकेट स्टेडियम में। कबीर मुझे नहीं पता कि तुमने ड्रेस चेंज किया है नहीं किया है, लग रहा है कि सेम ही है, बट यू डिड ओके। बट हमने ट्यूसडे स्किप करना पड़ा हमें क्रिकेट ट्रेनिंग, क्योंकि ट्यूसडे कबीर की फुटबॉल ट्रेनिंग भी होती है शाम को जहाँ पे उसको मैच खिलाया जाता है, तो हम लोग ट्यूसडे नहीं कर पाते हैं। तो टुडे इज वेंसडे और कबीर को मैं दोबारा लाया हूँ क्रिकेट सेशन के लिए और आज भी कबीर की प्रैक्टिस होगी, वो भी मैं कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे कबीर की जर्नी ट्रैक करते हैं और देखते हैं कि उसको इंटरेस्ट रहता भी है कि नहीं रहता। तो कबीर आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? ओके। और कबीर के लिए ये बहुत बड़ा चेंज है क्योंकि कबीर को दोपहर को सोने की आदत है, उसके रूटीन में दोपहर का नैप है, जो इस ट्रेनिंग की वजह से दोपहर का नैप कट हो जाएगा। तो लेट्स सी हाउ हिज बॉडी अडैप्ट्स। और कबीर को अपनी यूनिफॉर्म मिल गई है क्रिकेट की, क्रिकेट जर्सी। Because they are just college students, they are not the players. But you're looking fantastic, Kabir. Show me. तो कबीर की रनिंग ट्रेनिंग चल रही है और जितने भी बाकी बच्चे हैं वो 7 to 8 years हैं, तो कबीर काफ़ी छोटा है उनमें, लेकिन वो गिव अप नहीं कर रहा है, वो अच्छा मतलब कर रहे हैं यहाँ पे रनिंग वगैरह। और उसको कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी मिल गए हैं जो उसको बकअप कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसका बैग चेक कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहा है और वो अपनी स्टांस वगैरह भी प्रैक्टिस कर रहा है। तो स्टांस जो है वो उसने फर्स्ट डे सीखा था, आज की प्रैक्टिस जो है वो स्टांस से स्टार्ट नहीं हुई है, रनिंग प्रैक्टिस चल रही है जो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के अंदर। तो कबीर भी अपना फुल ऑन रनिंग कर रहा है, सर वहाँ से आवाज़ देंगे और इनको रन करके दूसरी तरफ भागना है। तो रनिंग प्रैक्टिस के बाद कबीर राउंड ले रहा है, यहाँ पे सर डिसाइड कर रहे हैं कि इनमें से कितने बच्चे क्रिकेट खेलेंगे मैच और कितने बच्चों की ट्रेनिंग होगी। और कबीर वहाँ पे राउंड ले रहा है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, बिग बॉयज़ के साथ कबीर राउंड ले रहा है। तो जब नूर को घर की बंदिशों से बाहर निकालते हो तो नूर का रिएक्शन कुछ ऐसा रहता है। लिफ्ट को गेट में खुल जाओ फटाफट ताकि मुझे लास्ट नाइट अ वुमन फार अवे हैड अ ड्रीम शी saw the baby in a basket surrounded by beautiful violet flowers and birds of many colors. Her husband dreamed of the same child he saw smiling a little